दोस्तों, जीके का सवाल और जवाब जो आपको हॉस्पिटल जाने से रोक सके। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं कि आप लोग बीमारी से जरूर बच जाएं। दोस्तों, सवाल नंबर एक, लीवर में पानी क्यों हो जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है खाली पेट अमरूद ज़्यादा खाने से लीवर में जो है वो पानी हो जाती है। इसीलिए खाली पेट अमरूद भूल करके भी कभी जीवन में नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर दो, किस गाय का दूध खाने से फलेरिया की बीमारी नहीं होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है देसी गाय के दूध खाने से फलेरिया की बीमारी नहीं होता है। जर्सी गाय का दूध जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं जर्सी का, उनको फलेरिया की बीमारी होती है। सवाल नंबर तीन, सुबह सेब खाने से क्या फायदा मिलता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है पढ़ने वाले बच्चे को दिमाग जो है वो अच्छा बन जाता है और सेहत भी अच्छा रहता है। इसीलिए सुबह में सेब जो है वो खूब खाना चाहिए चबा चबा कर। सवाल नंबर चार, सुबह जगने के बाद में क्या करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सुबह जगने के बाद में सबसे पहले लेटिंग जाना चाहिए, उसके बाद में स्नान ध्यान करना चाहिए, उसके बाद में काम करना चाहिए। जो लोग लेटिंग पहले नहीं जाते हैं उन्हीं लोगों को लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है। सवाल नंबर पाँच, किस गाय का दूध पीने से फलेरिया की बीमारी होती है बायां पैर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों, इसका सही आंसर है जर्सी गाय के दूध पीने से फलेरिया की बीमारी बायां पैर में हो जाता है। इसीलिए जर्सी गाय का दूध जो है वो कम पीना चाहिए या लहसुन डाल करके उसमें पीना चाहिए। सवाल नंबर छः, किस देवी को ज़्यादा पूजा पाठ करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सभी देवी दुर्गाओं को और देवताओं को पूजा खूब करना चाहिए और मिठाई प्रसाद जो है जितना हो सके उतना खूब चढ़ाना चाहिए और पैसा भी चढ़ाना चाहिए। सवाल नंबर सात, जामुन खाने से क्या फायदा होता है हम लोगों के शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है जामुन खाने से शुगर की बीमारी जीवन में भूल करके भी नहीं होती है। जो लोग बचपन से जामुन खाते हैं उनको शुगर कभी नहीं होती है, इसीलिए जामुन खाना चाहिए। सवाल नंबर आठ, आम खाने से क्या फायदा मिलता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है आम खाने से आंतों में नया रेशा बन जाता है और नया खून भी बन जाता है। इसीलिए आम जो है उस सीजन में खूब अच्छा से खाना चाहिए। दोस्तों, सवाल नंबर नौ, आम खाने से पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है आम खाने से पहले पानी में 6 घंटा जरूर रखना चाहिए, नहीं तो उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, तुरंत खाने से लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, सवाल नंबर 10, घर के पास कौन सा पेड़ नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है घर के पास में पीपल का पेड़ जो है वो नहीं रखना चाहिए, उससे आंख अंधा होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।